एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं समय IIT गांधीनगर की वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल रेगुलर PhD प्रोग्राम के लिए 23-24 के लिए ओपन हो चुका है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आप अगर PhD करने में इंटरेस्टेड हैं IIT से, IIT गांधीनगर से, तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, जो जो इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लास्ट डेट्स है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो IIT गांधीनगर की अगर आपको वेबसाइट अगर आपको देखनी है कहाँ पे कहाँ से ये ओपन हो सकता है, तो iitgn.ac.in/admissions/phd इसके ऊपर जाइए और आपको ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको एक जानकारी यहाँ से मिल सकती है, ये जो एक शॉर्ट पैम्फलेट टाइप का IIT गांधीनगर ने पब्लिश किया हुआ है PhD एडमिशंस 23-24 के बारे में, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें ये भी बता देता हूँ कि डिटेल्स क्या क्या हैं। तो देखिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में या कौन कौन से प्रोग्राम्स में PhD के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, वो है एक यहाँ पे बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, जिससे हमको मतलब है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे और सब्जेक्ट्स में भी PhD प्रोग्राम अनाउंस किया गया है। अब एक एक करके देखते हैं कि किस क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं। तो प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर इनकरेज टू एक्वेंट देमसेल्व्स विद रिसर्च एरिया ऑफ आर फैकल्टी मेंबर्स फॉर सूटेबल मैच ऑफ इंटरेस्ट। IIT गांधीनगर ऑल्सो ऑफर्स स्टार्ट अर्ली PhD फेलोशिप्स विद एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एक्सेप्शनली क्वालिफाइड UG स्टूडेंट्स फ्रॉम सेलेक्टेड कॉलेजेस विशिंग टू स्टार्ट ऑन अ डायरेक्ट PhD प्रोग्राम आफ्टर BTech। तो ये चीज़ मैं आपको स्पेशली बताना चाहता था कि यहाँ पे BTech के बाद डायरेक्टली PhD के लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं, अगर आप एक बढ़िया कॉलेज से हैं प्लस आपका जो इंटरेस्ट है वो PhD के में ज़्यादा बढ़िया है और आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे BTech के बाद डायरेक्टली PhD कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्पेशल PhD ड्राइव भी इनके पास एक होती है, इसमें भी आप जाकर के क्लिक करके यहाँ पे सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो ब्रोचर है वो यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। हालाँकि ब्रोचर में जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं मोस्ट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा, बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ब्रोचर डाउनलोड कर लें अपनी सहूलियत के लिए। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 23 मार्च जो है वो एप्लीकेशन की डेडलाइन है, एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन है तो आप इसमें अप्लाई आज ही कर सकते हैं। 30 मार्च को अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो जाएगा। 15 से 21 अप्रैल रिटन एग्जामिनेशंस और इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जाएंगे और 28 अप्रैल को रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं। सबसे पहली चीज़ है कि 55% मार्क्स या 5.5 CPI आपका होना चाहिए MA, MSc, BTech, MTech, BS में, अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में हैं। तो ये मिनिमम इंस्टीट्यूट लेवल पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डिसिप्लिन वाइज अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको जानना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे क्लिक करके देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो फॉर्म है इनका वो डाउनलोड करना पड़ेगा और इसके बाद उसको ओपन कर लीजिए। तो ऑलरेडी ये देखिए, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे मेंशन्ड है। अब बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो 60% मार्क्स, 55% फॉर SC/ST/PD और 6.0 या 5.5 SC/ST/PD के लिए, और आउट ऑफ 10 स्केल है, याद रखिएगा। चाहे आप MSc बायोसाइंस के हों, चाहे बायोकेमिस्ट्री के हों, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, BTech, MTech, बायोटेक, बायोकेमिकल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो मटेरियल्स, जिसमें भी आप हैं तो आपको इतने मार्क्स आपके पूरे होने चाहिए। तो ये बात हो गई कि कौन से या कितने मार्क्स हमें चाहिए, तो ये डिटेल हो गया। अब नेक्स्ट, अगर आपके पास इतने मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स एडमिशन कैटेगरी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कई सारे एडमिशन कैटेगरीज़ हैं, जिसमें कि सबसे पहले ये RR, रेगुलर RR यानी फुल टाइम रेजिडेंशियल रिसर्च कैंडिडेट्स के लिए एक ये है, और दूसरी है कंटिन्यूइंग डॉक्टरल प्रोग्राम CDP की। तो रेगुलर मतलब जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो PhD करते हैं, फुल टाइम कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में रहते हैं, लेकिन कंटिन्यूइंग डॉक्टरल प्रोग्राम में ये ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में है जो कि कहीं पे फैकल्टी के तरीके से काम कर रहे होंगे या फिर कहीं किसी इंस्टीट्यूट, कहीं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए ये कंटिन्यूइंग डॉक्टरल प्रोग्राम होता है। बात करता हूँ फाइनेंशियल सपोर्ट की।
तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे उनको कंसिडर किया जा सकता है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप डिपेंडिंग अपॉन द फंड्स। जैसे कि कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशंस इन एनी ऑफ द पॉइंट्स ए टू एफ मेंशन्ड बिलो आर एलिजिबल फॉर मंथली फेलोशिप ऑफ ₹31,000। तो ए से लेकर के एफ, यहाँ से ये ए मेंशन्ड है ये, और यहाँ से लेकर के ये एफ तक अगर आप लाए करते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप ₹31,000 मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। तो क्या है ए टू एफ तक वो देख लेते हैं। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बेसिक साइंसेज में, आपके पास नेट गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज बीटेक बीई हैं तब भी आपके पास नेट गेट होना चाहिए क्वालिफिकेशन, नेट गेट क्वालिफिकेशन, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज एम टेक एम ई एट्सेट्रा। यानी कि अगर आप एम टेक एम ई हैं तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं, अगर आप बी टेक हैं तो आपके पास नेट गेट होना चाहिए, ठीक। तो पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप बेसिक साइंस में हैं तो नेट गेट होना ज़रूरी है, एम ई एम टेक वालों के लिए नेट गेट की ज़रूरत नहीं है। बी टेक डिग्री फ्रॉम सी एफ टी आई सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अगर आपकी बी टेक डिग्री है और 8.0 पे आपका सी पी आई एटलीस्ट 8.0 है तो भी आप यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं। एम एस सी एम ए आपने अगर आई आई टी से किया हुआ है 8.0 मिनिमम से तो भी आप एलिजिबल हैं। बी एस किया हुआ है आई आई एस सी से 6.4 सी पी आई से ऊपर है आप एलिजिबल हैं। बी एस एम एस किसी आई सर से किया हुआ है 8.0 से ऊपर हैं एलिजिबल हैं। बी एस किया हुआ है आई आई सर से सी पी आई एटलीस्ट 8.0 है आप एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स इन रेगुलर पी एच डी प्रोग्राम अ पी एच डी कैंडिडेट मे बी एलिजिबल फॉर अ मंथली फेलोशिप ऑफ ₹35,000। मतलब 2 साल अगर आपने रेगुलरली कर लिया अपना पी एच डी प्रोग्राम तो आप उसके बाद से ₹35,000 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपको स्कॉलरशिप्स और अवार्ड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता हूँ एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर। एडमिशन जो है वो जनरली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू होता है विच इज़ सप्लीमेंटेड बाय रिटन टेस्ट इफ़ नेसेसरी। तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की बात यहाँ पे की जा रही है। इंस्टीट्यूट जो है कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही ले सकता है, इसी वजह से ये कहानी है। तो फाइनल सिलेक्शन विल बी मेनली बेस्ड ऑन एकेडमिक क्रेडेंशियल रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ये बात फाइनल लिखी हुई है यहाँ पे। एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में और डिटेल में अगर बात करें तो ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, और अगर आप मोर देन वन डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट एप्लीकेशंस आपको हर डिसिप्लिन के लिए सबमिट करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यू विल रिसीव एन एप्लीकेशन नंबर एंड अ लिंक टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सेव कर लीजिए। यू नीड टू फर्निश हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी इनको भेजने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू के समय पर आपको अपनी अटेस्टेड कॉपीज़ और एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी लेकर के जानी है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे ₹150 है एस सी एस टी पी डी कैंडिडेट्स के लिए और ₹300 है अदर्स के लिए। जैसा मैंने कहा था, हार्ड कॉपी भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एप्लीकेशन डिटेल्स हो गई, ये सारी की सारी आप इसको चेक कर सकते हैं। फोकस एरिया क्या क्या है, अब क्योंकि हम बायोलॉजिकल साइंसेज में इंटरेस्टेड हैं तो ये देखिए, एपिजेनेटिक्स, डीएनए रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ये सारी की सारी जो हैं ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी फैकल्टी होगी वो इन एरियाज़ पर काम करवाते होंगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ पीएमआरएफ के बारे में तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप भी आईआईटी गांधीनगर में प्रोवाइड हो सकती है, हालांकि उसकी जो भी एलिजिबिलिटी होती है उसके बाद स्क्रूटनी होती है, उसके बाद जो उसका रिव्यू होता है वो काफ़ी रिग्रेस होता है, उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई आईआईटी गांधीनगर में पीएचडी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एक लास्ट बात, आपको यहाँ से ये जो क्लिक हेयर टू अप्लाई वाला बटन है इसी के थ्रू आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।